एवरीवन तो आज हम क्या सीखने वाले कि साड़ी में हम स्लिम कैसे दिख सकते हैं। ठीक है, तो पिछली बार हमने नौवारी ड्रेप किया था, मैंने वो सिखाया था आपको। तो आज हम सीखने वाले कि साड़ी में मतलब स्लिम फिट कैसे दिख सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन वाला ब्लाउज वेयर किया है क्योंकि मैं आज ये वाली साड़ी वेयर करने वाली हूँ। ठीक है, सो ये वाली साड़ी मैं चॉइस किया आज, तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन ब्लाउज उसका मैचिंग वेयर किया है। तो आप इसके ऊपर गोल्डन भी ये कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जो साड़ी पहनना है उसके हिसाब से आप ब्लाउज पहन सकते हो। ठीक है, देन अभी आपको क्या करना है, हम डेली साड़ी में हम क्या करते हैं, परकर यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको वो नहीं यूज करना है, आज आपको ये जो शेप वेयर होता है ना ये यूज करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेप वेयर। तो आपको जब आपको एकदम स्लिम दिखना है ना तो आपको ये शेप वेयर यूज करना है, आपको परकर नहीं यूज करना है। ठीक है, तो ये मार्केट में आपको इजीली मिल सकता है, तो आप ये वेयर करना है। ठीक है, तो मैंने ब्लाउज और शेप वेयर वेयर किया है, तो अब हम साड़ी ड्रेपिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो साड़ी का पार्ट होता है वो पहले आपको यहाँ पे टक करना है। ठीक है, आपको आपकी जो साड़ी है वो राइट हैंड से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका पल्लू आएगा, देन एक पूरा राउंड होकर आपको ये साड़ी टक कर ले। ठीक है, ये जो है ना ये प्रॉपर इसे प्लेन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैंने ये पूरा यहाँ पे टक कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या करना है आपको, पल्लू के साइड पे जाना है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट पहले आपको टक करना है, फिर एक राउंड गोल घुमाना है और आपको डायरेक्ट पीछे पल्लू के साइड जाना है और आपको प्लेट्स बनाना है। ठीक है, अभी ये हो गए हमारे प्लेट्स, आप देख सकते हो छोटी साइज ये में, अगर आपको ये ब्रॉड पसंद है तो आप ये ब्रॉड भी कर सकते हो। ठीक है, देन प्लेट्स होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे इसको एज ए ज्वाइन कर लेना है। देन आपको इसको पीछे से ये करके पीछे से लेना है और यहाँ पे आपके लेफ्ट लेफ्ट शोल्डर पे उसको फिक्स करना है। इस बना के लेना है। ठीक है, देन अभी यहाँ पे शोल्डर पे आपको इसको सिक्योर कर लेना है सेफ्टी पिन के मदद से। ठीक है, अभी ये हो गया मेरा पल्लू, अभी आपको क्या करना है, बीच वाले प्लेट्स बनाने। तो पहले इससे पहले यहाँ का जो मतलब ये होता है ना, तो आपको ये जो पल्लू है ना यहाँ पे आपको करके लेना है। ठीक है, सो ये जो वाला पार्ट है ना ये यहाँ पे आना चाहिए ऐसे। ये जो वाली बॉर्डर है ना, ये देखो ये दो बॉर्डर मैंने आपको बोला है, दो बॉर्डर रहती है हर साड़ी को, तो एक वाली जो ये यहाँ पे आनी चाहिए और दूसरा वाला यहाँ पे नेक पे ये बॉर्डर ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे घूमकर आपको जो बचा हुआ पार्ट है ना वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको टक करना है, मतलब जब तक आपके बीच वाले प्लेट्स नहीं होते। तो आपको अभी क्या करना है, हमारा पल्लू हुआ है, अभी ये जो वाला पोर्शन है ना इसके हमको प्लेट्स बनाने हैं। ठीक है, ये भी सेम है, अगर आपको छोटा बनाना है तो छोटा बना सकते हो, अगर आपको ब्रॉड पसंद है तो ब्रॉड भी कर सकते हो। ठीक है, सो अभी इस क्या करना है, थोड़ा सा ये पार्ट लेके पहले हमको सेफ्टी पिन के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा आपको फिट चाहिए साड़ी तो ज्यादा खींचना है, जो यहाँ का हम जो पदर लिया है हमने और जो यहाँ पे हमने टक किया था ना वही पार्ट निकल के आपको ज्यादा खींचना है, जितना फिट चाहिए आपको उतना, और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन के हिसाब से उसको सिक्योर कर लेना है। ठीक है, तो मैंने अभी इसको सिक्योर किया है,
ताकि क्या होगा आपकी जो पीन है ना वो आपका जो यहाँ का जो पोर्शन है ना वो ज्यादा ऐसे उभर के आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे पिन लगा के उसको सिक्योर किया है। देन अभी ये जो पोर्शन है ना हम इसके अभी प्लेट्स बनाने वाले। ठीक है, आप देख सकते हो छोटा आपको बनाना है छोटा बना सकते हो, अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने इतने सारे प्लेट्स बना लिए। एक बार प्लेट्स होने के बाद आपको क्या करना है उसको एक बार फिर से अच्छे से नीचे की तरफ से देख लेना है कि आपको कितने हाइट्स पे चाहिए साड़ी। अगर ज्यादा आपको नीचे चाहिए तो आप थोड़े अंदर टक कर लेना, लेकिन अगर जिसको ज्यादा मतलब हाइट की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज्यादा अंदर टक कर सकते हो। ठीक है, देन अभी आपको क्या करना है मैंने ये साड़ी पिन ली है, आप देख सकते हो इसके मैचिंग से साड़ी के मैचिंग से मैंने साड़ी पिन ली है। तो आप ऐसे कौन से भी साड़ी पिन के साथ उसको अभी आपको सिक्योर कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने साड़ी पिन लिया और मतलब पूरा लुक ही चेंज होता है। ठीक है, सो अभी ये जो पूरा फाइनल लुक है आप देख सकते हो पूरा एकदम स्लिम साड़ी दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे ऐसे शेप आया है, एंड यहाँ पे आपको ज्यादा जितना फिट हो सके आपको उतना फिट करना है और साड़ी पिन के हिसाब से आपको उसको सिक्योर कर लेना है। ठीक है, शेप वेयर के हिसाब से ये जो साड़ी है ना मतलब वो पूरा शेप में दिखती है। ठीक है, तो आपको अगर आपको स्लिम दिखना है तो आपको शेप वेयर वेयर करना है और देन आपको साड़ी वेयर करनी है। और मैंने ये पल्लू लॉन्ग छोड़ा है तो मतलब साड़ी भी बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आपको ओपन पल्लू पसंद है तो आप ओपन पल्लू भी ले सकते हो। अगर आपको मतलब ऐसे यहाँ से शोल्डर पे पल्लू चाहिए तो आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो मतलब शेप वेयर के मदद से ये कितना स्लिम दिख रहा है साड़ी। बस आपको पर करके जगह आपको शेप वेयर यूज करना है और चलने में इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको चलना कैसा है कि ये जो साड़ी ना यहाँ पे मतलब जो आपका पैर होता है ना बस ऐसे आगे ढकलना है इसको। ठीक है, आप इसे ऐसे वेयर कर सकते हो क्योंकि मतलब कुछ कुछ लोग कहते हैं कि शेप वेयर से मतलब किसी को चलना नहीं आता है, तो वो भी एक टेक्निक होती है कि आपको क्या करना है मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं चलना है, मतलब साड़ी में जो स्टाइल होती है ना वो क्या करना है आपको थोड़ा सा ऐसे पीछे साड़ी को ढकल कर आपको चलना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको मतलब चलने में कोई दिक्कत भी नहीं होती और मतलब दिखने को भी वो अच्छा दिखता है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है इसको पूरा लुक कंप्लीट करने के लिए अभी मैंने इस कलर का पर्स लिया है। ठीक है, मतलब मैंने क्लच लिया है। तो आप अगर आपको मतलब जो आपकी साड़ी है उससे मैचिंग आप कोई भी पर्स ले सकते हो, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो। मुझे पसंद है इसलिए मतलब साड़ी का लुक अच्छा आता है तो मैंने ये वाला जो पर्स है ये क्लच है तो ये मेरे साड़ी पे मैच हो रहा था तो मैंने ये हैंड्स पे लिया है। देन अभी नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ ये इस पे जो सेट आता है ना वो मैं वेयर करने वाली हूँ। ठीक है, अभी आप लॉन्ग सेट वेयर कर सकते हो या चोकर वेयर कर सकते हो। अभी मेरे पास ये ना चोकर है, मतलब जैसे कि मेरे साड़ी में ग्रीन और गोल्डन का कॉम्बिनेशन, तो मैंने भी उसके हिसाब से ग्रीन और गोल्डन का कॉम्बिनेशन का हिसाब से हार लिया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो इस आप देख सकते हो मतलब जो लुक आता है ना वो पूरा चेंज होता है। मतलब साड़ी पे बैंगल्स ज्वेलरी वगैरह चाहिए मतलब उससे बहुत अच्छे दिखते हैं। देख सकते हो आप मैंने गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन लेकर ये एक सेट पहना है। ठीक है, तो यही था आज का सेशन। अगर कोई मतलब आपको डाउट्स वगैरह है तो आप अगले सेशन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन।